राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार एक्शन मोड पर है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की, तो इस प्लान पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए अभियान के तहत बीते 4 सालों में 50 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च का जवाब मांगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार एक्शन मोड पर है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की। सरकार के इस कदम पर बीजेपी ने जमकर कटाक्ष किया है। आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बीते 4 सालों से पुराने अभियान चलाकर जनता का पैसा खर्च कर रही है, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन में कमी नहीं आ रही। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि बीते 4 सालों में 50 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए गए, जिससे कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। खर्च किए जाने वाला पैसा कहां खर्च हुआ ये सरकार बताए, जबकि दिल्ली सरकार पहले खुद भी प्रदूषण का कारण पराली को बताती थी, लेकिन आज ये कारण गायब है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने एक घिसा पिटा अपना जो कैंपेन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, वो शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 4 साल के अंदर आपने इस कैंपेन के ऊपर 50 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए 4 साल के अंदर, लेकिन प्रदूषण जस का तस है, जो उल्टा प्रदूषण बढ़ा है। जब अरविंद केजरीवाल साहब बताएंगे कि दिल्ली के अंदर ये 50 करोड़ रुपए कहां गए, कहां खर्च हुए, प्रदूषण तो कम हुआ नहीं, लेकिन आप ये पैसा कहां खर्च कर रहे हो, आज हम सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली सरकार हर साल की तरह अपने उन्हीं पुराने अभियान को चलाती है, जिनसे कि प्रदूषण पर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता, क्योंकि प्रदूषण का कारण पराली है और 6023 मामले सिर्फ पराली जलाने के सामने आए, जो कुछ महीनों के हैं। इसलिए दिल्ली सरकार को चाहिए कि पंजाब के सीएम को बुलाकर ये मंथन करें कि कैसे सुधार हो सकता है, न कि विज्ञापन पर खर्चा करके। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का असली कारण पराली है, या खुद कहते थे, और पंजाब की पराली इसका मुख्य कारण है। ये मैं नहीं कह रहा, कि दस्तावेज कहता है। पिछले कई दिनों से मैं आपको डाटा दे रहा हूं कि 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर यानी कल तक का जो डाटा है, उसमें 6023 मामले पराली के जलने के आए हैं स्टेट्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर 2704 मामले आपके पंजाब में, जहां पे आपकी भगवंत सिंह मान की सरकार है। 871 मामले हरियाणा के आए हैं, 628 मामले यूपी के आए हैं, 2 मामले दिल्ली के आए हैं, और 557 मामले एमपी के आए हैं, राजस्थान के आए हैं। ये है डाटा, मैं नहीं कह रहा, ये दस्तावेज कहता है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, 50 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय अगर आप अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब भगवंत मान जी को आप बुला लेते और वहां उनको इंस्ट्रक्शन देते कि पंजाब के अंदर पराली को रोकिए, तो शायद आज दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन हर बार की तरह आप दिल्ली में अपनी फोटो चमकाने के लिए 50 करोड़ रुपए विज्ञापन पे, और ये जो घिसा पिटा जो फॉर्मूला आपने अपनाया हुआ है, गाड़ी ऑफ रेड लाइट ऑन ऑफ, जो आपने प्रोग्राम करा है वो फ्लॉप प्रोग्राम है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार अनेकों प्लान के साथ दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद कर रही है। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।